दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगर्स के लिए एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आपकी ब्लॉग के लिए पूरी पोस्ट यहां पर लिख कर देता है और ये पोस्ट यहां पर 100% यूनिक होती है। इसे जो है मैं चेक करके भी यहां पर दिखाऊंगा, साथ ही आप अपने ब्लॉग के लिए अबाउट अस पेज भी यहां पर जो है जनरेट कर पाएंगे और ये जो टूल है ये आपको यहां पर फ्री में मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज करने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं सेस्टॉक चैनल जहां पर आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज समय समय पर दिया जाता है। तो आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। तो दोस्तों जिस टूल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, इस टूल का नाम है ग्रेविटी राइट। gravityright.com पर आप जैसे ही विजिट करते हैं तो फर्स्ट लुक इसका कुछ इस तरह से यहां पर दिखता है। यहां बताया जा रहा है कि आप 2000 वर्ड तक यहां पर जो है फ्री में स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन 2000 वर्ड से ज्यादा आप यहां पर जो है यूज करते हैं तब जो है आपको यहां पर पेड वर्जन लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर 2000 वर्ड में जो है इसे यूज करके देखेंगे, आप भी इसे यूज करके जरूर देखिएगा और यदि आपको ये यूजफुल लगता है तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। लेकिन फ्री वाले प्लान के साथ ही हम यहां पर जो है इसे यूज करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर स्टार्ट पर फ्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर जो है गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अब यहां पर इस प्लेटफॉर्म की एक और अच्छी बात है कि यहां पर जो है अलग अलग काम के लिए जो भी टूल इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उन सबकी जो है लिस्ट आपको यहां पर मिल जाती है। यहां पर जो है आपको ब्लॉग टूल देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से जो है आप ब्लॉग टॉपिक आइडिया, ब्लॉग आउटलाइन, ब्लॉग कंटेंट, आपके ब्लॉग में जो इमेजेस वगैरह यूज होगी उसके लिए आइडिया, एडवांस ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं और क्विक ब्लॉग पोस्ट भी आप यहां पर जो है जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह से यहां पर जो है आपको एक वेबसाइट टूल भी देखने को मिलेगा जिसमें आप अबाउट अस पेज, होम पेज, डोमेन नेम आइडियाज जैसे टूल का प्रयोग करते हुए भी आप यहां पर जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम ब्लॉग टूल में ब्लॉग टॉपिक आइडिया, क्योंकि यदि आपके पास एक टॉपिक रहेगा तभी जो है आप उस पर कंटेंट लिख पाएंगे, उस पर जो है ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर पाएंगे। तो यहां पर जो है आपको कुछ कीवर्ड लिखने हैं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट यहां पर लिखना चाहते हैं। तो मैं यहां पर जो है लिखूंगा DCA कंप्यूटर कोर्स और करूंगा एंटर। तो मैंने यहां पर लिखा है DCA कंप्यूटर कोर्स। यहां पर मोर सेटिंग वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपको तरह तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस भी देखने को मिल जाती है। जिस भी लैंग्वेज में आप यहां पर काम करते हैं उस तरह की लैंग्वेज का चयन करके आप जो है यहां पर पोस्ट जनरेट करवा सकते हैं। यहां पर नेपाली और हिंदी जैसी भाषाएं भी दी गई है तो मैं यहां पर फिलहाल इंग्लिश ही रहने देता हूं। क्रिएट कंटेंट वाले बटन पर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर DCA कोर्स से रिलेटेड किस टॉपिक पर आप यहां पर पोस्ट जनरेट कर सकते हैं वो जो है 10 आइडिया जो है हमें यहां पर बता दिए गए हैं। तो इन टॉपिक में से आपको जो भी टॉपिक यहां पर सही लगता है उस एक टॉपिक को जो है हम यहां पर कॉपी करेंगे, यही जो है हमारे वीडियो का टॉपिक आज का यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लॉग आउटलाइन का, तो इस ब्लॉग आउटलाइन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और जो टॉपिक हमने यहां पर जनरेट करवाया था ग्रेविटी राइट के थ्रू उसे ही यहां पर जो है पेस्ट करेंगे और यहां पर जो है क्रिएट कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक आउटलाइन जो है हमें यहां पर मिलने लगी है कि इस टॉपिक पे आप पॉइंट वाइज पॉइंट अपनी पोस्ट में क्या क्या चीजें यहां पर जो है रख सकते हैं और क्या क्या आपको यहां पर रखना चाहिए। मैं यहां पर फिलहाल इसे जो है स्टॉप कर देता हूं और हमारे पास जो है यहां पर एक आउटलाइन आ चुकी है। इस आउटलाइन और इस टाइटल को जो है हम कहीं पर कॉपी करके रख लेंगे क्योंकि यह अभी जो है आगे हमें यहां पर काम आने वाली है। बेसिकली आउटलाइन क्या होती है कि इसमें आपको जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया जाता है कि आपको किस किस टॉपिक को कवर करना है। अब यहां पर जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है ये है ब्लॉग कंटेंट, जिसमें जो है आप जिस जिस टॉपिक को यहां पर कवर करना चाह रहे थे उन टॉपिक को कवर करते हुए आपकी ब्लॉग पोस्ट यहां पर जो है जनरेट की जाएगी। तो यहां पर जो है आपको ब्लॉग टॉपिक लिखना है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको ब्लॉग टॉपिक और ये जो हमारा आउटलाइन है इन्हें जो है कॉपी करके रखना है। तो ये ब्लॉग टॉपिक जो हमने कॉपी किया था इसे जो है हम यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर ब्लॉग टॉपिक वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और यहां पर जो है आपका जो आउटलाइन पूछा जा रहा है इसे जो हमें पेस्ट करना है। तो जो आउटलाइन हमने यहां पर कॉपी करके रखा था इसे ही जो है हम यहां से कॉपी करेंगे और इस आउटलाइन वाले बॉक्स में जो है यहां पर पेस्ट कर देंगे, जिसके बाद यहां पर क्रिएट कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो यहां पर आउटलाइन हमने दी थी उन एक एक पॉइंट को अब एक्सप्लेन करते हुए जो है यहां पर पूरी पोस्ट राइटिंग की जा रही है और ये पोस्ट जो है यहां पर यूनिक तरीके से लिखी जा रही है जिसे कि हम यहां पर टेस्ट भी करके देखेंगे। फिलहाल जो है मैं यहां पर जो है इसे स्टॉप कर देता हूं और जितनी भी पोस्ट यहां पर जो है लिखाई है इसे ही जो है हम यहां पर कॉपी करते हैं और यहां पर जैसे ही हम गूगल से साइन इन कर लेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट विद AI वाला जो हमें बटन दिखने को मिल रहा है इस पर जो है हम क्लिक करेंगे और यहां पर जो हमने कंटेंट लिखा था उसे जो है लाकर यहां पर हम पेस्ट करते हैं, जिसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपको 80% का स्कोर यहां पर जो है दिखाने लग गया है और यहां पर जो है इसने 9 सजेशन भी दिए हैं जिससे कि हम इस कंटेंट में और इंप्रूव यहां पर कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो है जहाँ भी हमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको आपके पोस्ट में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पर जो है हम कुछ माइनर चेंजेस करके अपनी पोस्ट में इम्प्रूव कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर DCA और इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इस फुल फॉर्म वाले को यहाँ पर जो है हटा देंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 81 से हमारा स्कोर 83 पर पहुँच चुका है। इस तरह से कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट करते हुए आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, या अपनी ओर से कुछ सेंटेंस या अपनी ओर से कुछ और इस पोस्ट में आप यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो भी यहाँ पर जो है ये स्कोर बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर जो है एक अलग पैराग्राफ में यहाँ पर दे देता हूँ, और साथ ही यहाँ पर कुछ वर्ड को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर DCA का फुल फॉर्म ऐड कर देता हूँ। या तो ये टूल आपको जो है यहाँ पर खुद ही सजेस्ट करता है कि आपको किस वर्ड की जगह पर यहाँ पर जो है कौन सा वर्ड यहाँ पर जो है लिखना चाहिए। यदि ये आपके उस आर्टिकल में सजेस्ट होता है, फिट बैठता है, तो आप यहाँ पर जो है इसकी मदद से भी अपने आर्टिकल में यहाँ पर जो है चेंजेस करवा सकते हैं, और इस तरह से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करते हुए इस पूरे आर्टिकल को यूनिक बना सकते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ पर एक यूनिक आर्टिकल आ चुका है, तो इस यूनिक आर्टिकल को आप पब्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ और टूल दिए गए हैं, इसमें जो है आपको इमेज बनाने के लिए भी टूल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली आप जैसे ही अपने ब्लॉग की जो आउटलाइन है उसे जो है यहाँ पर इनपुट करते हैं, तो ये आपको जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनाकर देता है। इन प्रॉम्प्ट का प्रयोग आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड इमेजेस को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रॉम्प्ट को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, जिस प्रॉम्प्ट का प्रयोग आप runway.ml जैसी वेबसाइट का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर runway.ml वाली वेबसाइट पर विजिट करते हैं, यहाँ पर जो है हमें स्टार्ट विद का एक बटन देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट लाया है, जो भी प्रॉम्प्ट लाया है, उसे जो है हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जनरेट करेंगे, जिसके बाद आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पर इमेज सजेस्ट कर देगा। और इस तरह से AI जनरेटेड इमेजेस का प्रयोग भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको एक एडवांस ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप एडवांस में अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है केवल आपको ब्लॉग का टाइटल यहाँ पर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पर जो आपने टाइटल दिया है मेक मनी ऑनलाइन, उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड आपको यहाँ पर भरने हैं। अब आपको यहाँ पर जो है एक मिनिमम वर्ड लिखना है, जिसमें जो है मैंने ब्लॉगिंग लिख दिया है। यहाँ पर जो है आपके ऑडियंस, किस ऑडियंस को आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं वो आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल 21 to 30 एज। अब यहाँ पर जो है मुझे लिखना है इंटर फोकस कीवर्ड, यानी कि आप किस चीज़ पर यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है मेक मनी इन ब्लॉगिंग कर देता हूँ। और क्रिएट कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख कर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के बारे में इसने जो है इंट्रोडक्शन लिख दिया है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन किन किन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं वो यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रीलांसिंग को समझाया जा रहा है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, इससे किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, इसमें किस तरह से आपको जो है काम करना होगा, किस स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह की स्किल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है कंटेंट लिखते जाता है, और आपके ब्लॉग के लिए जो भी आप यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल देंगे उससे रिलेटेड जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपके कीवर्ड है, उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिख देगा। यहाँ पर जो है आपको एक क्विक ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि आप यहाँ पर जो है ब्लॉग टॉपिक आइडियाज ढूंढेंगे, फिर ब्लॉग की आउटलाइन निकालेंगे, फिर आउटलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, तो आप इन सब झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते, डायरेक्ट आप यहाँ पर जो है ब्लॉग पोस्ट लिखवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्विक ब्लॉग पोस्ट का भी एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है केवल आपको आपके ब्लॉग पोस्ट का टाइटल देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर टाइटल देते हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर जो है रेडी हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है मेक मनी ऑनलाइन वाले ही ऑप्शन दे देता हूँ, और क्रिएट कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर टाइटल दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको पोस्ट राइटिंग करके यहाँ पर दे देता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया कि इस टूल को फ्री में यूज़ करने के लिए कुछ लिमिटेशन है, कुछ वर्ड की लिमिटेशन है, इसलिए जो है पूरी पोस्ट मैं आपको यहाँ पर राइट करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है रीराइटिंग आर्टिकल का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपने पहले से कोई आर्टिकल लिख रखा है और उसी आर्टिकल को आपको कुछ अलग कीवर्ड पर यहाँ पर रैंक करवाना है, तो अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर देंगे, अपना सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ पर देंगे, और जो आपने आर्टिकल लिखा है उसे जो है आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और क्रिएट कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे, तो उसी आर्टिकल को ये जो है मॉडिफाई कर देगा, उसे रीराइट कर देगा, और
आपका वही आर्टिकल उन अलग कीवर्ड पर यहाँ पर रैंक करने के लिए तैयार करके बना देगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉगर्स के लिए एक वेबसाइट टूल दिया गया है, इसमें जो है आप अबाउट अस पेज बना सकते हैं, अपना क्रिएटिव होम पेज बना सकते हैं, डोमेन नेम आइडियाज़ वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अबाउट अस पेज वाले बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उसका नेम आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेस्टॉक। यहाँ पर जो है आपको, आप जिस वेबसाइट के लिए अबाउट अस पेज बना रहे हैं वो किस तरह का बिजनेस करता है, किस तरह की जानकारी देता है, किस तरह काम करता है, वो जो है यहाँ पर कुछ शब्दों में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन इन यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपकी जो ये वेबसाइट है, उस पर किस तरह का कंटेंट यहाँ पर डलता है। इसके बाद यहाँ पर यदि कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज वगैरह आप यहाँ पर सेलिंग करते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर भी वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, मेक मनी, इस तरह के यहाँ पर जो है टॉपिक लिख देता हूँ और क्रिएट कॉन्टेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पर जो है अपना अबाउट अस पेज बनाकर दे देगा। यहाँ फिलहाल मैं स्टॉप राइटिंग कर देता हूँ क्योंकि कुछ वर्ड लिमिटेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका अबाउट अस पेज यहाँ पर बनने जा रहा है और यहाँ पर जो आपने नाम दिया था उस नाम के साथ यहाँ पर जो है आपको अबाउट अस पेज लिखकर दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है अबाउट अस पेज भी क्रिएट करवा सकते हैं, डोमेन नेम आइडियाज ले सकते हैं और भी यहाँ पर अपने बिजनेस वगैरह के लिए सर्विसेज भी ले सकते हैं। यदि आप एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पर भी आपका चैनल वगैरह चलता है तो यहाँ पर यूट्यूब टूल भी दिए गए हैं, इन्हें किस तरह से यूज करना है इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैंने आपके लिए बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल आपको जो है जरूर पसंद आया होगा। यदि आप एक ब्लॉगर है तो आप इसे यूज करके जरूर देखिएगा, कम से कम जो फ्री वाली लिमिटेशन है इसमें जो है इसे यूज तो जरूर कीजिएगा। और यदि ये टूल आपको अच्छा लगता है तो इसका पेड वर्जन लेकर भी आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से YouTube ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस्टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।